और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण की तारीख फाइनल हो चुकी है। 13 दिसंबर को एक भव्य कार्यक्रम में पीएम मोदी विश्वनाथ कॉरिडोर को सौगात देंगे, लेकिन इस ऐतिहासिक क्षण का आनंद काशी महीने भर तक लेगा, क्योंकि एक महीने तक इस जश्न को कई कार्यक्रमों के जरिए मनाया जाएगा, जिसमें दुनिया तो काशी की नई तस्वीर देखने को मिलेगी। 13 दिसंबर को दुनिया देखेगी पुरातन काशी का नया स्वरूप। विश्वनाथ कॉरिडोर का होगा भव्य और दिव्य लोकार्पण। 13 दिसंबर को बाबा की नगरी काशी के आध्यात्मिक स्वरूप में एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ जाएगा, जब प्रधानमंत्री मोदी सभी ज्योतिर्लिंगों के पुजारियों की उपस्थिति में विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। अगले महीने 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन होने जा रहा है। इस मौके पर देश की सभी नदियों के जल से काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक किया जाएगा। वहीं लोकार्पण के मौके पर देश के सभी ज्योतिर्लिंगों के धर्माचार्य भी काशी विश्वनाथ मंदिर में मौजूद रहेंगे। वहीं शाम में बनारस के घाटों पर लेजर शो का भी आयोजन किया गया है। विश्व के प्राचीनतम नगरों में से एक काशी की पहचान बाबा विश्वनाथ के मंदिर से है, गंगा घाटों से है, वहां के साधु संन्यासियों से है। मोक्ष की इस नगरी में इतने वर्षों बाद जब गंगा से बाबा विश्वनाथ मंदिर तक का सीधा मार्ग शुरू होगा, तो जाहिर है इसका उत्सव भी उतना ही दिव्य और भव्य होगा जितना कि काशी है। तभी तो 13 दिसंबर के लोकार्पण के बाद पदाधिकारियों का सम्मेलन, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन होगा, इतिहासकारों, उद्योगपतियों और मीडिया कर्मियों का भी सम्मेलन होगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के साथ ही बनारस में एक महीने तक चलने वाले कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक अब तक का बनारस में सबसे भव्य आयोजन होने जा रहा है, जो 13 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक चलने वाला है। इस आयोजन में पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ शिक्षा जगत और उद्योग जगत से जुड़े लोग तो शामिल होंगे ही, साथ ही में दूसरे देशों के राजदूतों को भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। काशी की चमक और विकास की धमक को विदेशों तक पहुंचाने के लिए भारतीय परंपरा से जुड़े देशों के राजदूतों का सम्मेलन किया जाएगा। कई देशों के पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्रियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। करीब एक महीने तक वाराणसी में विहंगम दृश्य दिखेगा। काशी के घाटों पर कार्यक्रमों का सिलसिला चलता रहेगा और समूची दुनिया बदलती काशी के नए स्वरूप को देखेगी। बनारस, जिसे धर्म और आध्यात्म की नगरी कहा जाता है, ये शहर अब तक के सबसे बड़े आयोजन का अब गवाह बनने जा रहा है। वहीं सियासी जानकारों की माने तो भारतीय जनता पार्टी इस आयोजन के जरिए एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेलने वाली है जो आने वाले समय में पूर्वांचल के सभी समीकरणों को बदल कर रख देगा। वीडियो जनसमय सिंह के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ।